ऐसे तो आम से कई तरह की रेसिपी बनती है, पर इंस्टेंट अचार की तो बात ही निराली है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इस अचार के बारे में, पर एक बात की गारंटी है, अगर आप मेरा रेसिपी देखोगे तो ये अचार बनाए बिना नहीं रहोगे। तो शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। इंस्टेंट अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम केरी लिए, केरी को अच्छी तरह से वॉश कर लिए 3-4 बार, वॉश कर साफ कर इसे कट करना है। दो पोर्शंस कर लिए, अब इन्हें बहुत ही बारीकली हमें कट करना है। ऐसे तो केरी के अचार कई तरह के बनते हैं, इंस्टेंट अचार भी कई तरह के बनते हैं, तो मैं और एक तरीके का अचार बनाऊंगी, वो भी मैं नेक्स्ट अपडेट में डालूंगी। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा रेसिपीज आएगी तब, और आप देख सकते हो मैंने और एक तरीके का अचार कैसे बनाया है। मैंने सारे केले की मैंने चॉपिंग कर ली है, इसे बॉल में ले लेती हूँ। अब इस कटी हुई केरी में मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, 1 चम्मच राई डाल देती हूँ, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 8-10 कड़ी पत्ते, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आधी चम्मच डालूंगी हींग, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये गरम तड़का मैं इस केरी में डाल देती हूँ, मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है अचार में से, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक और तरीके का अचार डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसे तो मैंने कई तरीके के अचार बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अचार बनकर रेडी है। इंस्टेंट अचार कितना फटाफट बन गया है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगती है, और ये खाने के लिए भी रेडी है। आपको ये केरी का अचार कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे ही आप मेरी रेसिपीज देखते रहें। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।